इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 9 अप्रैल के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना अनशन समाप्त किया था। देश दुनिया के इतिहास में 9 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का निधन आज ही के दिन 1756 में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म आज ही के दिन 1893 में हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी का जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। आज ही के दिन 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। भारतीय हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जया बच्चन का जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। आज ही के दिन 1953 में वार्नर ब्रदर्स ने हाउस ऑफ वैक्स शीर्षक से पहली 3D फिल्म प्रदर्शित की थी। देश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री जयराम रमेश का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। आज ही के दिन 1957 में मिस्र की स्वेज नहर को साफ किया गया और नहर को जहाजों के लिए खोला गया था। 1972 में आज ही के दिन सोवियत संघ और इराक ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का निधन आज ही के दिन 1981 में हुआ था। आज ही के दिन 2001 में अमेरिकी एयरलाइन ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस का औपचारिक रूप से अधिग्रहण किया था। वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। 2002 में आज ही के दिन बहरीन में निगम चुनाव में महिलाओं को हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी। आज ही के दिन 2003 में इराक को सद्दाम हुसैन की तानाशाही से मुक्ति मिली थी। 2004 में आज ही के दिन इराक में संघर्ष तेज करने पर अमेरिकी काफिले पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 2004 में पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने माफिया अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की पुनः समीक्षा करने को कहा था। 2005 में आज ही के दिन ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स का विवाह कैमिला के साथ हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत का निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। आज ही के दिन 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस ने 225 सीटों वाली संसद में 117 सीटें जीती थी। 2011 में आज ही के दिन सरकार द्वारा लोकपाल कानून बनाने की मांग मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने 95 घंटे से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। आज ही के दिन 2013 में फ्रांसीसी सीनेट ने समलैंगिक विवाह संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।